नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि। बात करते हैं नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन के वादों की। अच्छे दिन के वादे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार को आज पूरा एक महीना हो गया। ऐसे में वो किन किन वादों पर अमल कर पाए, कौन कौन से वादों पर काम चल रहा है, तो और क्या क्या वादे किए गए जनता के साथ अच्छे दिन लाने के लिए, आखिर उन्होंने इस पूरे महीने में क्या किया, देश की जनता के साथ किए वादों को कितना वो पूरा कर पाए और कितना नहीं कर पाए, इसी को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ कांग्रेस से हैं डॉक्टर नरेंद्र नाथ, बीजेपी से अशोक गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जो नरेंद्र मोदी ने वादे किए थे जनता के साथ, क्या लगता है कि इस पूरे महीने में कहीं ना कहीं वो वादे जो है पूरे होते नजर आए हैं या फिर वो वादे सिर्फ अभी वादे ही हैं? देखिए, मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं जी। अच्छे दिन तो नहीं आए जी, बुरे दिन जरूर आ गए। हर चीज महंगी, सबसे पहले आप देखिए, उठाकर देख लीजिए, रेल का किराया बढ़ गया, दिल्ली में बिजली की कीमत बढ़ गई और चीनी की कीमत बढ़ गई। तो इसके लिए हमने कहा कि महंगी चीनी, महंगी बिजली, महंगी रेल, देखो भाजपा सरकार का खेल जी। तो ये तो बुरे दिन आ गए, अच्छे दिन कहाँ हैं? 30 दिन की सरकार ने जो वायदे किए लोगों से कि हम ये करेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, मैं तो कह रहा हूँ अच्छे दिन लोग भूल गए और बुरे दिन को याद करेंगे और बुरे दिन शुरू हो गए। ये बीजेपी का खेल है सारा जी। लेकिन नरेंद्र नाथ जी, कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरह की बातें कर रही है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, भविष्य में उसका जरूर कोई ना कोई जो सकारात्मक परिणाम। जहां तक अर्थव्यवस्था की सवाल है, जब कांग्रेस सरकार ने कहा था जी कि हम अर्थव्यवस्था उधारने के लिए ये करेंगे, ये रेट बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे, तब तो यही लोग विरोध करते थे जी। आज यही रेट बढ़ा रहे हैं जी और ये कह रहे हैं अर्थव्यवस्था हम ठीक करेंगे। जब वो अर्थव्यवस्था ठीक करते थे वो गलत थी जी। आज ये अर्थव्यवस्था कर रहे हैं ये गलत नहीं है, ये भी गलत है। तो अशोक गोयल जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए जी, मोदी सरकार को बने एक महीना हुआ है और इस एक महीने में भारत की जनता का मनोबल बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को लाकर इस देश के लिए जो सौगात दी है और मोदी जी के रूप में इस देश को आत्मबल बढ़ाकर देश को जो है स्वर्णिम काल की ओर ले जाने का जो काम शुरू हुआ है, उसको वास्तव में एक महीने से ही देखा जा सकता है। आए बाद में उससे पहले काले धन के लिए SIT की गठित कर दी और आज उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। स्विस बैंक कह रहा है कि हम आपको रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हैं, जबकि कांग्रेस ने इतने लंबे समय से मांग के बावजूद काले धन को लाने की उसकी मंशा नहीं थी कि भारत का काला धन भारत में आए। दूसरी बात, मैं अनेकों बात कहूंगा और ये भाई साहब बहुत महंगाई की बात कह रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि उनके आते ही किस तरीके से रुपए का मूल्य बढ़ने लगा, रुपया जो है तरक्की पाया, मूल्य तो गिरता जा रहा है रुपया। सुन लीजिए बात को पूरी, सोने के दाम गिरे, चांदी के दाम गिरे, सीमेंट का दाम 320 रुपए से 260 रुपए हुए, अपना जो ये राजमा है खाने वाला 115 रुपए से 85 रुपए हुआ, दालों के दाम गिरे 15 रुपए 10 रुपए, निरंतर अनेकों वस्तुओं पर, मतलब जो लोहा पर दाम गिरे जो कि आम आदमी के काम में आता है, निश्चित रूप से मंदा भी आया है। और ये कहना मोदी जी ने इस देश को मजबूती की ओर ले जाने के लिए जो कड़े कदम उठाए हैं, 12-12, 14-14 घंटे तक कड़ा परिश्रम करके मंत्री फाइलों को निपटा रहे हैं, इनके टाइम में 21 फाइलें दबी हुई थी वो अभी निपटाई गई हैं, लेकिन पर्यावरण विभाग में अशोक गोयल, लेकिन अभी जो जनता के सामने परिणाम देखने को मिल रहा है, लगातार जो चीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है, सारे हिंदुस्तान में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं जी जी, मोदी जी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले हवा उड़ा दी, ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ये रेले रोके जा रही है, प्रदर्शन किसने रोके जा रहे हैं? इसलिए देखिए अशोक जी, या तो आप बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप कहिए ना, आप कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, एक एक करके, हाँ जी बोलिए। धरने प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं जी, हर जगह रेलों गाड़ियों को रोका जा रहा है, बिजली के दाम दिल्ली के अंदर देखिए, बिजली के दाम जो हमारी सरकार ने सब्सिडी दी थी वो सब्सिडी भी नहीं दे पा रहे हैं, और जो अरविंद केजरीवाल की सरकार आई वो 49 दिन में बिड़ा कर करके चल गई दिल्ली का। आज वो बीजेपी की सरकार LG बैठा हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो सब्सिडी हम दे रहे थे 2 रुपए पर यूनिट दिल्ली के अंदर बिजली के पर, वो भी खत्म कर दी। आज दिल्ली के उठा के देख लिए लोगों के बिल, फिर वही दुगने तिगने बिल आने शुरू हो गए। एक महीने के लिए सब्सिडी थी खाली, उसके बाद वही शुरू हो गया। और चीनी देखिए, चीनी थोक व्यवहार में जब महंगी हुई है, रिटेल में 4-5 रुपए किलो महंगी होगी, उसके बाद आज आप देख रहे उठाकर रेल की क्या हालत है, रेल का भाड़ा कितना बढ़ा दिया,
और फिर सबसे पहली बात तो एक महीने के अंदर इनके ही मंत्री ने 370 धारा को उछाल दिया। कितना बवाड़ मैं कुछ कहना चाहूंगा राजीव शर्मा जी, आपके भी सुनेंगे, लेकिन राजीव शर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने आम जनता कि जो उम्मीदें बांधी थी, उन उम्मीदों को पूरा करने का जो वादा किया गया था, क्या लगता है कि पिछले 30 दिनों में कितनी उम्मीदें जनता की जो है वो पूरी की गई है? अंजलि, सबसे पहली बात तो ये है कि मोदी सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वो उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ये आने वाले दिन बताएंगे जी। लेकिन अभी तक जो काम किया है उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो सरकारी मशीनरी है उसे खुले हाथ छोड़ दिया है, उस पर कोई काबू नहीं किया गया। इन्होंने चीनी का आयात बंद किया, और चीनी के आयात बंद करने से एकदम तुरंत यहाँ के जो चीनी के मार्केटियर्स हैं उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि चीनी महंगी हो जाएगी। मोदी सरकार उस अफवाह पर रोक लगाने में नाकाम रही। अगर जितनी मांग है चीनी की देश में उसको पूर्ति करने के बाद भी 75 लाख टन चीनी ज्यादा है भारत में, जितनी देश भर में जरूरत है उससे उसकी आपूर्ति करने के बाद भी लगभग 75 टन से ज्यादा चीनी भारत में स्टॉक में पड़ी रह जाएगी। जब 75 लाख टन चीनी एक्सेस है तो ये महंगी क्यों हो रही है? इसका मतलब यह है कि जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं उन पर रोक नहीं लग पाई, और काला बाजारी पर रोक कौन लगाएगा? ये सरकारी मशीनरी लगाएगी। तो वो लोग जो मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं वो मोदी की आंखों से बचे हुए हैं। दूसरी चीज सुनिए, इराक में जो भी कांड हुआ है उस पर मोदी सरकार सतर्क नहीं थी, ये मोदी जी को मानना पड़ेगा, ये मोदी जी का दूसरा फेलियर है। तीसरी चीज, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे किसी मंत्री की योग्यता का मामला हो, मोदी जी इन पर भी पूरी तरीके से सतर्क नहीं थे। अब ये एक बात कही जाए, अशोक जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा, ये बात कही जा सकती है कि इतने दिनों में कैसे ऐसा हो जाएगा? जब हम किसी को प्रधानमंत्री की नजर से देखते हैं तो उसको ये मान के चलना चाहिए उस व्यक्ति को कि उसे अलादीन के चिराग जैसी काबिलियत अपने भीतर रखनी चाहिए, क्योंकि आपने सपने वैसे ही दिखाए हैं कि आप अलादीन का चिराग लाएंगे और सारी समस्याएं दूर कर देंगे। तो आपको यह कहने का हक नहीं है कि आपको कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, हमें कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, ये नहीं है। आपने चुनाव से पहले ये नहीं कहा था कि आपको हम कड़वे घूंट पिलाएंगे, ये सख्त कदम उठाएंगे, ये नहीं कहा था आपने। रुक जाइए अशोक जी, दूसरी चीज, जहां तक नरेंद्र जी ने कहा कि धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो धरने प्रदर्शन तो विपक्ष की एक रणनीति का हिस्सा है, विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है। कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनका ये फायदा उठाना चाहते हैं, तो इससे मोदी की छवि पर असर नहीं पड़ने वाला है। छवि पर असर पड़ने वाले ये हैं कि उन्हें ज्यादा सतर्क होना चाहिए था, जो काला बाजारी है उन पर रोक लगानी चाहिए, और जो 75 लाख टन चीनी स्टॉक में बची रह जाएगी उसमें सामंजस्य बिठाना चाहिए और जनता को सस्ती चीज दिलानी चाहिए। अशोक जी, आपने एक बात और गलत की है, मैं आपके अध्ययन पे स्टडी पे कोई शक उंगली नहीं उठा रहा हूं। स्विस बैंक ने कहा है कि हम भारत को कोई भी डाटा अपना शेयर करने नहीं जा रहे हैं, कोई खाते की कोई कार्रवाई अभी शेयर नहीं करने जा रहे हैं, ये रीसेंट बात है। तो कालाधन कैसे बनने आएगा, ये स्विस सरकार के आज के बयान से थोड़ा सा संशय बन गया है। जी अंजलि जी, तो वाकई एक बड़ा सवाल। चलिए नरेंद्र नाथ जी, आपको एक बार फिर से मौका देते हैं, एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये कि यूपीए सरकार को लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया, आपको विपक्ष में बैठने लायक जनता ने नहीं छोड़ा, तो आपको भी तो इतने सारे साल दिए गए थे, फिर आज क्यों बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, जब इतने साल में यूपीए इतनी सारी गलतियां करती आई है, फिर बीजेपी को भी तो थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। देखिए, यूपीए सरकार ने तो 10 साल काम किया जी, और देश के हित में काम किया, जो भी काम किया, और ये तो देश के हित में थे, ये तो सुनो, ये तो पब्लिक का फैसला है। नरेंद्र जी, भ्रष्टाचार देश के हित में थे? नहीं नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, काम सुनो, 10 साल, अशोक जी मुझे ही बोलने थे उसका, जी जी जी, 10 साल में यूपीए सरकार ने काम किया,
अच्छा काम भी किया, हो सकता है कहीं गलती भी हुई है सरकार से। मैं ये नहीं कहता गलती, मैं ये नहीं कहता गलती, सही बात वो सही तरीके से रखिए, मैं ये नहीं कह रहा, सुनो मैं कह रहा हूँ हो सकता है कहीं गलती भी हुई है, हो सकता है, हो नहीं पाया, मेरी बात सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, जहाँ तक गलती हो, नहीं मैडम बात सुनिए, देखिए गलती मैं मानता हूँ, मानता हूँ कहीं गलती हुई है, कहीं नहीं गलतियां हुई हैं, गलती अरे भाई गलती हुई है, गलतियां हुई है तभी जनता ने विपक्ष में बैठने लायक नहीं छोड़ा। अगर गलती हुई है तभी तो मैं कह सकता हूँ, तभी तो कह सकता हूँ कांग्रेस को जो पब्लिक का फैसला हुआ कांग्रेस ने उसे कबूल किया, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है कबूल, और जनता का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उससे भी बड़ा फैसला है, जनता ने जो फैसला किया किया। जहां तक सवाल है, जहां तक सवाल है यूपीए की सरकार का, यूपीए की सरकार के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप ये तो देखिए जब यूपीए की सरकार से वायदे करके आए लोग, ये नरेंद्र मोदी ने वायदे किए हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, एक महीने के अंदर इनकी पोल खुल गई, पता लग गया कि ये क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया एक महीने के अंदर। और मैं तो ये कह सकता हूँ शायद बीजेपी ने एक महीने के अंदर वो दिखा दिया, शायद जो हम कभी 10 साल भी नहीं दिखा सके, जो एक महीने में इन लोगों ने उल्टे काम किए सारे। बड़ा सवाल यहाँ ये है कि यूपीए सरकार को इतने सारे साल दिए गए, लेकिन बीजेपी को भी तो थोड़ा बहुत समय मिलना चाहिए। हम कहते हैं हमने सरकार पब्लिक ने इनको 5 साल दिए हैं, लेकिन ये तो एक महीने में इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया देश का, उठाकर देख ले, आर्थिक नीति की बात कर रहे हैं, मुझे लोगों के ऊपर, लोगों के ऊपर कहना चाहूंगा, लोगों के ऊपर इन्होंने कहा, मैं बहुत सुन चुका हूं, मैं कहना चाहूंगा, साउथ के अंदर हिंदी भाषा थोप दी, जबरदस्ती थोपना चाहते थे, देखिए मुझे चाल खड़ा कर दिया, एक न्याजन इनके मिनिस्टर है, ऐसा नहीं है, उनके ऊपर, ऐसा नहीं है, आपके तो सारा का सारा हवाई झूठ पर कायम है। तो ये बात सुनो, कांग्रेस माने एक महीने में, एक महीने में का पुलिस, एक महीने में आर्थिक नीति देश का बेड़ा गर्क कर दिया और महंगाई चरम सीमा में पहुंच गई। जी 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 अशोक गोयल जी, आपकी बात भी, आपकी बात भी रखेंगे जी, आपकी बात भी जरूर सुनिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। के बाद स्वागत है आपका। चलिए बात करते हैं मोदी सरकार के सत्ता में आने की। मोदी सरकार को सत्ता में आए 30 दिन का समय हो चुका है। इन 30 दिनों में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए मोदी सरकार की एक रिपोर्ट। जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले। ये विज्ञापन तो याद होगा आपको, चुनाव से पहले का ये वही विज्ञापन है जिसके बाद मोदी सरकार सत्ता के सिंहासन तक पहुंची। आइए जानते हैं उनके काम के रिकॉर्ड से। शुरुआत हो मई को, जब जीत से गदगद मोदी सरकार शपथ लेती है, तब से पीएम मोदी के कामों की झलक दिखने लगती है। देखिए जब पीएम मोदी शपथ लेते हैं, और अब इस तस्वीर को भी देखें, सार्क देशों के प्रमुखों को इस शपथ ग्रहण में न्योता देकर मोदी सरकार अपनी विदेश नीति के बारे में दुनिया को इशारा देती है कि भारत पड़ोसियों से किस तरह के सौहार्दपूर्ण रिश्ते चाहता है। इसी मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी पीएम मोदी आतंकवाद पर बात कर भारत के आतंकवाद के विरुद्ध कड़े रुख का संदेश देते हैं। शपथ ग्रहण के कुछ ही दिन बाद मोदी सरकार के काम को लेकर रफ्तार और तेज हो जाती है। पीएम मोदी काम में तेजी लाने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए सभी 30 मंत्री समूह और उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूहों को भंग कर देते हैं। इसके बाद पीएम मोदी काम में तेजी के लिए मंत्रियों से 100 दिन का एजेंडा देने के लिए कहते हैं। मोदी सरकार एक अहम फैसले में विदेशों में काले धन का पता लगाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन करती है। इसके साथ सचिवों को निर्देश दिए जाते हैं कि काम काज के पुराने तौर को छोड़ तकनीक की सहायता से पारदर्शी तरीके से समयबद्ध निपटारा करें। मोदी ने अपने मंत्रियों और सांसदों को साफ निर्देश दिए कि वो अपने रिश्ते अपने स्टाफ में नहीं रखेंगे, साथ ही रिश्तेदारों और मित्रों को ठेकों से दूर रखने के निर्देश देकर पीएमओ के पेशेवर नेतृत्व को स्पष्ट किया। पहले विदेश के रूप में भूटान गए और भारत सरकार की प्राथमिकताओं का स्पष्ट रेखांकन किया, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के नियुक्ति को भी मोदी स्वीकार कर लेते हैं।
देश के चीनी उद्योग को राहत देने के लिए सरकार ने चीनी के आयात शुल्क में बढ़ोतरी जैसे उपाय किए। इसके बाद ईरान से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए मोदी सरकार पूर्व राजदूत रेड्डी की नेतृत्व में एक टीम को इराक भेजते हैं। 5 साल के लिए चुनी गई किसी सरकार के लिए अपना काम दिखाने के लिए 1 महीने का वक्त काफी कम जरूर होता है, लेकिन इस 1 महीने में उसके मंसूबों की झलक जरूर मिल जाती है। सुदर्शन न्यूज के लिए अमित दत्ता की रिपोर्ट। तो वाकई इस 1 महीने में सरकार ने कुछ कड़े फैसले लिए तो कहीं सरकार नरम पड़ती नजर आई, यानी कुछ चीजों में लोगों को सरकार से जरूर शिकायत हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए गए जो कि मोदी सरकार के राज में देखे गए। चलिए इस चर्चा पर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। राजीव शर्मा जी एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो मोदी सरकार ने 100 दिनों का एजेंडा रखा था उसको लेकर जो रणनीति मोदी सरकार ने तैयार की है, क्या वाकई भविष्य में उसके कोई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे या फिर जनता को जो उम्मीदें लगाकर बैठी है अपनी नई सरकार से वो कहीं ना कहीं धुंधली पड़ी। अभी तक जितने भी कदम उठाए गए हैं अंजलि, उनसे भविष्य में मजबूती की आशाएं हैं, और अगर वो इन आशाओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा के लिए सुपड़ा साफ हो जाएगा, और इसका जो हमें रिजल्ट है वो जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें भी देखने को मिल जाएगा। मेरा सबसे एक सिर्फ एक सवाल जो भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी से है वो सिर्फ यह है कि आप किसी भी फैसले को यह कहकर कैसे लागू कर सकते हैं कि यह पूर्ववर्ती सरकार का फैसला है। जी। आप ये कह करके लोगों को क्या बुद्धू बनाना चाहते हैं? जनता बहुत स्मार्ट है, आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, और आप वो फैसला बजट से पहले करते हैं। वाकई एक बड़ा सवाल है। रेल जी। मैं रेल किराए से बना जी मैं हाँ, आप कुछ कह रही थी जी। वाकई एक बड़ा सवाल है कि रेल बजट पेश होने से पहले ही किराए में बढ़ोतरी कर दी जाती है और उसे फिर यूपीए सरकार के जिम्मे थोप दिया जाता है। जी जी मेरे ख्याल से हम काफी देर से चुप बैठे हुए हैं अशोक गोयल जी। मुझे लगता है अशोक गोयल जी से सवाल पूछना चाहिए। सवाल आप ही से अशोक गोयल जी, क्या लगता है कि यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया गया 14.2% की? जी ये है कि हमको जो इस समय विरासत में जो सत्ता मिली है जी, उसके अंदर जो ये जाले जंगले जितने भी भ्रष्टाचार के सब कुछ हैं और देश की जो चौपट अर्थव्यवस्था है इसको किसी भी तरीके से पटरी पर लाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ कड़ा फैसला भी लेना पड़ना चाहिए। वो कड़ा फैसले के रूप में रेल जो लगातार घाटे में जा रही थी, हमने सिर्फ ये बताया कि ये फैसला जब ये लोग हाहुल्ला कर रहे हैं, ये लोग सड़कों पर आकर गलत तरीके से अपना जो निराशा है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने ये बताया कि ये फैसला आप लोगों ने लिया था, हमने तो सिर्फ उसको ये समझ के कि अब चूंकि ये हालात देश के हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके ठप पड़ी है, पिछले 10 सालों में देश को हर मोर्चे पे लूटा जा चुका है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है, शासन के अंदर शासन के अंदर हर जगह छेद रहे हैं, कहीं ना कहीं 14.2% बढ़ा है, कहीं ना कहीं देश का काम हुआ है, और 6.5% 6.5% भाड़े में बढ़ा दिया हमने तो, और फिर हमारे में थोप दिया कि भंडार खाली है, तो देश को अटल भंडार तो भरे हुए भंडार खाली का है, अटल जी जैसी सरकार दी थी जिसके 6 वर्षों के स्वर्णिम शासन काल में हम 280 रुपए 90 रुपए की गैस का सिलेंडर। अशोक गोयल जी आपको लग रहा जी गैस के आप चिंता मत करो, गैस सिलेंडर फिर बढ़ने जा रहे हैं 40 रुपए फिर आप बढ़ाए गैस सिलेंडर पे वैसे बढ़ाने जा रहे हो, हम जो है पेट्रोल छोड़ के गए और ये कह रहे हैं 10 रुपए 10 रुपए हर महीना गैस सिलेंडर पे बढ़ेंगे और पूरे साल के अंदर 120 रुपए बढ़ेंगे। दूसरी बात जी अशोक गोयल जी आपकी बात सही है, आपकी बात ठीक है कि अगर आपने जो बढ़ोतरी की है वो जर्जर अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आपकी तरफ से की जा रही है, लेकिन सवाल जो बड़ा सवाल अशोक गोयल जी ये खड़ा होता है कि आम जनता जिसने आपको पूर्ण बहुमत देकर सत्ता दिलाई है उसका आखिर आपने कहां सोचा? उसकी कमर तो पहले से ही महंगाई इतनी बड़ी हुई थी, ऐसे में उसकी आम जनता महंगाई बढ़ा दी। जी हम जनता के हर वर्ग के लिए चिंतित हैं जी, कहीं गन्ने को किस तरीके से किसानों को भुगतान हो, घरेलू उद्योगों को जो हमारा चीनी उद्योग है जब बता रहे कि चीनी हमारे पास फालतू है तो विदेश से किस लिए मंगाई जाए, लेकिन मेरी बात अस्थाई है, अगर 4 आने 8 आने किलो थोक में बढ़े हैं 3 रुपए किलो 3 रुपए किलो अस्थाई नहीं है 3 रुपए किलो। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा
अभी आप देखेंगे कुछ दिनों में बजट भी आ रहा है जी, उसमें भी सारी चीजें आप देखेंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रेलवे का किराया 2% जो बढ़ा, सुनिए मेरी आपके महाराष्ट्र की शिवसेना के एमपी नहीं, मेरी बात सुनिए, तो जो परयात्री परमंत्रवास बंदर उसको क्यों कम कर दिया गया, लोकतंत्र रखते आपके एमपी ने किया धरना, हमारे एमपी ने नहीं, बोलने देंगे नहीं, लोकतंत्र के अंदर सबको बात अपनी कहने का हक है, अगर कुछ बात किसी को अप्रिय लगी होगी तो उन्होंने भी आके कहा है। महाराष्ट्र में एक विशेष परिस्थिति है, आपके लोग महाराष्ट्र में ही क्यों रेल रोक रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में रोक रहे हैं, चुनाव वहाँ चुनाव होने रोकी है, आप गुजरात में रोकी, सब जगह रोकी, नौटंकी कर रहे हैं सब जगह कि देश के हर मोर्चे पर, चाहे विदेश से मोर्चा हो, आज पड़ोसी राज्यों से संबंध अच्छे हो रहे हैं, अगर चाइना से संबंध अच्छे होंगे, पाकिस्तान संबंध अच्छे होंगे, रक्षा बजट में कटौती होगी, भूटान है, भूटान जैसे B4B का जो बात मोदी जी कहकर भावनात्मक ढंग से जोड़ने की बात कही है, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार, आप ये बताइए अशोक गोयल जी, वो बात आपकी सही है कि भारत के विदेश के साथ जो संबंध है उनको लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल वो यहाँ ये है कि आम जनता जिसने आपको पूर्ण बहुमत दिया है उसके लिए क्या किया जा रहा है। देखिए मात्र एक महीने का समय जी, मात्र एक महीने के समय में ही तो इस तरह से मात्र एक साल का समय, फिर कहेंगे मात्र पांच साल का समय, बात पूरी नहीं होने देते हैं डॉक्टर साहब, मुझसे नहीं बोलूंगा, अच्छा बोले आप, समझे ना, मात्र एक महीने का समय, उसके अंदर पारदर्शी व्यवस्था, उसके अंदर सचिव स्तर तक के लोगों को बैठाकर वार्ता, किसी तरीके से भी कहीं भी कोई भ्रष्टाचार होने ना पाए, पनपने ना पाए, इसलिए अपने रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को कोई भी किसी भी प्रकार का, अशोक जी मुझे, नहीं अशोक जी दूरगामी पढ़ना, मैं एक कॉमन आदमी, मैं चीनी ले शक्कर खरीदने जाता हूँ, मुझे शक्कर एक बार एक रात में घोषणा होती है कि सब आयात पर रोक लगाई जाएगी, महंगी हो जाती है, सरकार से आप आम आदमी कैसे जमाखोरों पर रोक क्यों नहीं लगी, आयात शुल्क बढ़ाने से पहले उन जमाखोरों पर रोक क्यों नहीं लगाई, एक माफिया वहाँ बयान जी, आप मुद्दे से भटक रहे, बात आम जनता की जा रही है और आप आम जनता की बात कर रहा हूँ, मैंने आम जनता के लिए बताया कि सीमेंट सस्ता हुआ, राजमा सस्ता, कहाँ सस्ता हुआ, ना सीमेंट सस्ता हुआ ना राजमा, कोई ये सब झूठे, ये सब झूठी खबर है, लेकिन रेल किराए में बिना बजट पास किए बढ़ोतरी कर दी गई, माल भाड़ा बढ़ा दिया गया, उसकी भी तो बात करिए ना, माल भाड़ा बढ़ गया तो उसकी महंगाई भी बढ़ेगी, जो कुछ जो किराया बढ़ा उससे भी किराया, और ये सारा कुछ थोप देते यूपीए के ऊपर, अरे कर दो तुम लोग, हम थोड़ी रहे, जो कुछ भी किया गया है ये कड़ा कदम, कहीं ना कहीं जो रेल के अंदर यात्रियों को सेवाएं नहीं है, रेल की हालत जर्जर हो गई है, पटरियों की स्थिति जो है कमजोर हो गई है, रेल निरंतर घाटे में चल रही है, कहीं ना कहीं एक कड़ा कदम इसलिए उठाया कि रेल किसी तरीके से, लेकिन आगे हम खर्चों पर अंकुश लगा रहे हैं हर जगह। चलिए कड़े कदम जो उठाए गए हैं बीजेपी की ओर से, उन कड़े कदमों का जो परिणाम है वो भविष्य में देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं जो जर्जर अर्थव्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं कि पूर्व यूपीए सरकार ने अर्थव्यवस्था को जर्जर कर दिया, उसे पटरी पर लाने के लिए लगातार बीजेपी इस तरह के दावे कर रहे हैं, जी, उन सारे दावों की पोल तो भविष्य में खुलती जरूर नजर आएगी, किस तरह से भविष्य में वो दावे पूरे होंगे, ये तमाम चीजें भविष्य की गर्त में छिपी हुई है। तो आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि जिस तरह से मोदी सरकार 30 दिनों के अंदर बड़े बदलाव करने में सफल रही, कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं तो कुछ बुरे परिणाम जनता के सामने आ रहे हैं, उसको लेकर जो तमाम लोगों में नाराजगी है वो कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि आम जनता ने वोट दिया है, पूर्ण बहुमत दिया है और बीजेपी को सत्ता में जो है वो काबिज किया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, जय हिंद।